नमस्कार दोस्तों फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा फील्ड मार्शल सैम माने बॉलीवुड एक्टर बमन इरानी और इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी बाबा जानते हैं इन सबके बीच में क्या कॉमन है ये सब एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है लेकिन ये कम्युनिटी शायद से इंडिया की सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है India now has the most Zoroastrians and the community there is wealthy and influential. They're known as Parsis, meaning Persians. It's a religion which in fact encourages capitalism, but capitalism with a very important social responsibility that if you've made a lot of money, you must learn to share it. I love the idea that the community is seen as a slightly eccentric, slightly weird, slightly strange community, but very loved. इंडिया की कहानी कहीं ना कहीं पारसीज के बिना अधूरी है क्योंकि इस कम्युनिटी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के प्रोग्रेस में इंडिया की पहली स्टील मिल इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन इंडिया का पहला लग्जरी होटल एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज इन सब के पीछे कोई ना कोई पारसी रिस्पॉन्सिबल लेकिन फिर भी पारसीज की कहानी इंडिया में शुरू नहीं होती पारसी शब्द का मतलब होता है पर्शियन पर्शियन भाषा में आज के दिन हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए वो लोग जो एथ से टेंथ सेंचुरी के बीच में ईरान से इंडिया आए थे इस कम्युनिटी के लोग एक रिलीजन में मानते हैं जिसका नाम है जोरास्ट्रियनिज्म हिंदुइज्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसा ही एक धर्म है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है इन तीनों धर्म जितना इसी रीजन से इस कम्युनिटी के लोगों को करके भी पुकारा जाता है को माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मोनोथीस्टिक रिलीजन है जिसकी शुरुआत ईरान में हुई थी आज से करीब चार हजार साल पहले मोनोथिज्म मतलब इस धर्म में मानने वाले लोग मानते हैं कि सिर्फ एक ही सुप्रीम गॉड है सिर्फ एक ही भगवान है इसका ऑपोजिट होता है पॉलीथिज्म जिसमें लोग मानते हैं कि मल्टीपल गॉड्स हैं हैं मल्टीपल भगवान होते हैं। तो एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन है और इस्लाम क्रिश्चियनिटी जैसे मोनोथिज्म की कैटेगरी में आते हैं हालांकि क्रिश्चियनिटी को लेकर काफी चर्चा होती है कि वो एक्चुअली में एक ही भगवान में मानते हैं या तीन में मानते हैं तो उसे मोनोथिज्म की कैटेगरी में माना जाए या ना माना जाए लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन में से आता है और कई स्कॉलर्स मानते हैं कि जो इब्राहिमिक रिलीजन इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जूडोइम इन तीनों को शेप किया है ने ही अब इतिहास कुछ ऐसा है कि अराउंड सेवन सेंचुरी ईरान में पर्शियन एम्पायर था स्पेसिफिकली कहा जाए एम्पायर। इस एम्पायर को इन्वेड कर लिया गया ईयर अराउंडेट के अराउंड के द्वारा अरब मुस्लिम का जो एम्पायर था उस जमाने के ऑलमोस्ट हर एम्पायर की तरह जब इन्वेजन हुआ तो लोकल पॉपुलेशन को बहुत अत्याचार सहना पड़ा उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ जबरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन कराया गया उन पर लगाए लगाए गए गए फाइंस और इसी बीच के एक छोटे से ग्रुप ने सोचा कि अब बहुत हुआ हम यहाँ नहीं रह सकते हम इस जगह को छोड़कर कहीं और रेफ्यूज लेते हैं जहां पर हम चैन से जीत सके अगले सौ दो सालों में कई जोराशियंस ने माइग्रेट किया ईरान से इंडिया की ओर और।, और आज के दिन हम जिन लोगों को पारसी करके पुकारते हैं वो डिसेंडेंट्स हैं इन्हीं लोगों के वो जोरास्टियंस की कम्युनिटी जो एथ से टेंथ सेंचुरी के बीच इंडिया आई थी मेनली दो रीजन बताए जाते हैं इनके इंडिया आने के पीछे एक तो था कि अपने रिलीजन अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना और दूसरा यहां पर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बताए जाते हैं बहुत से उस जमाने के मर्चेंट्स इंडिया आए थे क्योंकि नॉन मुस्लिम मर्चेंट्स पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए अपने लाइवलीहुड्स को बचाने के लिए वो आए अब यहां पर एक और माइग्रेशन हुआ था ईरान में रहने वाले जोरास्टियंस का नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी के बीच में लेकिन हम उन

पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे हैं पारसीज की जर्नी को लेकर सिर्फ एक रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास किस्साए संजन नाम से ये एक पोयम है जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी यानी करीब 800 साल बाद उनकी जर्नी के इस पोयम के अनुसार ज़ोराशियंस की ये छोटी कम्युनिटी बोट्स में अरेबियन सी पार करके इंडिया की तरफ आई दीव नाम के एक आइलैंड पर वहां पर ये लोग करीब 19 साल तक रहे और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये मेन लैंड इंडिया में रिलोकेट कर लेंगे वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है इसी तरीके से ये आ गए गुजरात में संजन शहर में किस्सा है संजन के अकॉर्डिंग वहां पर एक लोकल महाराजा राणा थे और जोरास्ट्रियंस के इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अपने एक प्रीस्ट को सिलेक्ट करेंगे जो महाराजा से जाकर बात करेंगे जब उन्होंने मांग करी कि प्लीज हमें यहाँ पर रेफ्यूज लेने दो आपके किंगडम में तो राजा बड़े डाउटफुल थे इसको लेकर वो एक दूध का ग्लास लेकर आए जो पूरा भरा हुआ था और कहते हैं कि हमारे इस साम्राज्य में जगह नहीं है और लोगों के रहने की तो वो जो जोरास के प्रीस थे वो को चीनी मांगते हैं और चीनी को दूध में डालकर मिला देते हैं और कहते हैं देखो चीनी जिस तरीके से दूध में घुल जाती है हम लोग भी आपके इस साम्राज्य में घुल मिल जाएंगे बिना दूध के ग्लास को ओवरफ्लो करे महाराजा राणा बड़े खुश हो जाते हैं इस एग्जाम्पल को देखकर और वो उन्हें रेफ्यूज दे देते हैं उन्हें जमीन ऑफर करी जाती है रिसेटल करने के लिए और कुछ रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं लेकिन कुछ कंडीशन होती है महाराजा की कि पारसी औरतें साड़ीस पहनेंगी पारसी जो आदमी है वो कोई हथियार नहीं ले जा सकते अपने साथ उन्हें गुजराती भाषा सीखनी पड़ेगी और अपने धर्म के बारे में राजा को समझाना पड़ेगा अगले सौ दो सालों में और छोटे छोटे ग्रुप्स द्वारा के आते रहते हैं और यहाँ पर सेटल कर जाते हैं यही रीजन है कि साल 1920 में एक संजन मेमोरियल कॉलम बनाया जाता है एक संजन स्तंभ इस शहर में गुजरात में इन पारसीज की ऑनर में जो इतने साल पहले यहाँ पर आए थे तो ये संजन स्तंभ आप आज के दिन भी जाकर देख सकते हैं इस शहर में वैसे अगर आप इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों तो यहां पर मैं आपको कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा हाउ पार्सी इज लैंडेड इन इंडिया अगर आप कुकू एफएम को नहीं जानते एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज सेल्फ हेल्प नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी आमतौर पर इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट होती है थ्री पर ईयर पर क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है अगर आप कूपन को ध्रुफ्टी इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कुकू एफ की कॉस्ट सिर्फ हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज पड़ेगी लिंक पर जैसे जैसे साल गुजरते गए संजन शहर की इंपॉर्टेंस लूज हो गई गुजरात में एस आ, एस सिटी तो गुजरात से मूव आउट किए और इंडिया में और शहरों में जाकर बसने लगे मेजोरिटी जो लोग थे वो एक्चुअली में बॉम्बे गए यही रीजन है कि आज के दिन लार्जेस्ट पारसी की पॉपुलेशन आपको इंडिया में मुंबई में मिलेगी पारसीज ने आर्टिजन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के तौर पर काम करना शुरू किया सेवेंटींथ और एटीन सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए यूरोपियन ट्रेडर्स आए तो बॉम्बे की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी ब्रिटिश लोग स्पेशली ट्रेडर्स और आर्टिजेंट्स की तलाश में थे यहां पर भी पारसीज ने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया उनके साथ काम करने में लेकिन कहीं पर भी इस वीडियो में मैंने अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन किया कि पारसी कम्युनिटी इतनी अमीर और इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है दोस्तों ओपीएम और कॉटन की ट्रेडिंग 1700s और 1800s के बीच में पारसीज ने चाइना के साथ ओपीएम और कॉटन की ट्रेडिंग करनी शुरू करी इस ट्रेडिंग का एक इफेक्ट आज के दिन तक आपको ट्रेडिशनल पारसी साड़ीज में भी देखने को मिलेगा उस जमाने में पारसीज को चाइनीज सिल्क बड़ा पसंद आता था तो वो जब चाइना जाते थे वहां पर साड़ियां बनवाकर लाते थे अपनी वाइफ्स के लिए इन साड़ीज को इंडिया में आकर अक्सर बेचा भी जाता था इन पारसी का स्पेसिफिकली नाम था गाराज इनमें आपको चाइनीज एम्ब्रॉयडरी पर्शियन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस साथ में देखने को मिलेगा अब साल 1729 में एक्चुअली में चाइनीज सरकार ने ओपीएम की सेल और ओपीएम का इंपोर्ट पर बैन लगा दिया क्योंकि चाइना में लोगों को बहुत बड़ी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम होने लग रही थी तो एटीन तक आते आते पारसीज ने एक्चुअली में ओपीएम की ट्रेडिंग का बिजनेस बंद कर दिया एज एन ऑल्टरनेटिव उन्होंने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना शुरू किया और उस समय में कॉटन बहुत हाई डिमांड में था सही समय में इन इंपॉर्टेंट कमोडिटीज में ट्रेडिंग करके पारसी कम्युनिटी काफी अमीर बन गई और क्योंकि अमीर बन गई कम्युनिटी ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अफोर्ड कर सकते थे भेजना ब्रिटिश राज के जमाने में पारसीज के बच्चों ने इंग्लिश सीखी वेस्टर्न मैनरिज्म सीखे जो कि एक लग्जरी कंसिडर किया जाता था उस जमाने में और इसी की वजह से इनकी एक ऐसी इमेज बनने लगी कि पारसी कम्युनिटी बहुत ही लिटरेट है प्रोग्रेसिव है और सक्सेसफुल है ऐसा ना सिर्फ इंडियंस मानते थे उस जमाने में बल्कि ब्रिटिश भी मानते थे ये एक्चुअली में सबसे यूरोपियनाइज इंडियन कम्युनिटी बन गई कुछ इंडियंस एक्चुअली में कंसर्न भी फील करने लगे इस चीज को लेकर लेकिन इसकी बात कभी किसी और वीडियो में कर सकते हैं लेकिन अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एक्जाम्पल है जमशेद जी जी जी, जी बॉय का एक पारसी बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी वेल्थ कमाई ओपी ट्रेडिंग के द्वारा ये अपने जमाने के सबसे अमीर आदमी थे इंडिया में और इन्होंने अपने कमाए पैसों को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं किया बल्कि चैरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया इसी रीजन से इन्हें इतना जाना जाता है पुणे वॉटर वर्क की दो तिहाई कॉस्ट इन्होंने कवर करी इन्होंने सर जमशेद जी स्कूल ऑफ आर्ट बनाया जो कि ओल्डेस्ट आर्ट कॉलेज है मुंबई में इन्होंने जमशेद जी हॉस्पिटल बनाया जो कि आज के दिन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई का पार्ट है और ये एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादातर पार्सीज में देखने को मिलेगी कि वो बहुत चैरिटेबल होते हैं अपने पैसों को अक्सर डोनेट करते हैं कम्युनिटी के लिए सोसाइटी के लिए और इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं जोरास्ट्रियनिज्म में छुपा है जोरास्ट्रियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छे शब्द बोलना अच्छी चीजें सोचना और अच्छी चीजें करना यही है जो बुराई को हरा सकता है तो बहुत से जोरास्ट्रियंस एक्चुअली में अच्छी चीजें करते हैं गुड डीड्स परफॉर्म करते हैं बड़े हॉस्पिटल्स बनाना बड़े स्कूल्स बनाना या गरीब लोगों की सहायता करना आज के दिन पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 0.006 परसेंट है टोटल इंडियन पॉपुलेशन में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ फिफ्टी रहते हैं इंडिया तो भी रह और वाडिया जैसी में रही है इंडिया के जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बुलाया जाता है उन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना करी और जमशेदपुर शहर की रिलेशन में जे टाटा इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने एयर इंडिया की स्थापना करी लेकिन इस इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा मोटर्स टाटा सोल्ट टाइटन इंडस्ट्रीज इन सब की भी स्थापना करी वैसे अगर कर आप जी आर डी टाटा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं कैसे उन्होंने एयर इंडिया बनाया और एयर इंडिया का क्या इतिहास रहा था इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके बाद ऑब्वियसली आज के दिन रतन टाटा अपने फिलेथ्रोपिक कामों के लिए जाने जाते हैं साइंस की फील्ड में है डॉक्टर होमी बाबा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक अहम रोल निभाया मिलिट्री में इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानिक इन्हें इंडियन आर्मी का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स कंसिडर

फरान अख्तर और फरा खान जैसे लोग भी आएंगे स्ट्रिक्टली इन लोगों पारसी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि ऐसा माना जाता है पारसी कम्युनिटी के अंदर कि जो lineage है वो सिर्फ मेल मेंबर्स के थ्रू पास ऑन होती है मतलब अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज होगी जिसमें एक पारसी आदमी नॉन पारसी औरत से शादी करेगा तो उनके बच्चों को पारसी कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर एक पारसी औरत नॉन पारसी आदमी से शादी करेगी तो उनके बच्चों को पारसी नहीं कहा जा सकता इवन दो वो औरत औरतरास्ट्रिजम को प्रैक्टिस करती रहे ये एक रीजन बताया जाता है एक्चुअली में दोस्तों की पार्सी की पॉपुलेशन इंडिया में कम क्यों हो जा रही है

कुछ लोग ट्रेडिशन को जारी रखना चाहते हैं आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो के बाद एंग्लो इंडियंस वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए वो एक और ऐसी ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में है इंडिया में मेरी पूरी प्ले भी चेकआउट कर सकते हैं हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो की उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद